नमो शिवाय, ऑल द बेस्ट, सलाम प्रणाम। आओ आओ आओ, अच्छा गाओ नहीं तो घर जाओ। नहीं शायरी से इतना जल्दी तो मत डराओ। पकाओ पकाओ। ये कमेंट देखकर अनु मलिक को और ना सताओ। अरे आओ जो भी आ रहा है जल्दी आओ। आइए, नमस्ते, क्या नाम है आपका? माय नेम इज निधि प्रशांत। क्या करती हैं आप? सर आई एम डूइंग ग्रेजुएशन इन म्यूजिक। तैयारी है पूरी? हाँ, आई विल ट्राई। चलो सुनाओ, क्या सुना रहे? सर मायरी। मायरी प्लीज। व्हाट डू यू वांट, वाटर? यस। कोई पानी दे दो। बहुत टेंशन है, इतने बड़े बड़े जजेस होंगे तो थोड़ा तो डर है। सबसे डर लग रहा है, सब इतने ज़्यादा बड़े आर्टिस्ट हैं। इंडियन आइडल के ऑडिशंस में इसलिए आई हूँ ताकि पापा के जो भी आज तक एक्सपेक्टेशंस रहे हैं मुझको लेकर, वो मैं उनका फुलफिल कर सकूँ। मुझे विश्वास है कि जिस तरह से वो अपने काम को ईमानदारी से कर रही है, वो इसमें सेलेक्ट होगी। वो मुझे प्लेबैक सिंगिंग करनी है, तो इसके लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है। और मैं ऑडिशंस में आई हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सिलेक्ट होकर के ही जाऊँ। निधि, आपकी आवाज़ में ख़ास बात यह है कि आपने गाना लता जी गाया है, पर आपकी आवाज़ उनके साउंड नहीं करती। दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो मेरे हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, बट उसमें और कुछ किया जा सकता था। मैं देखता हूँ बाकी लोग क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर निधि, आई थिंक वॉइस तुम्हारी बहुत स्वीट है, लेकिन मुझे ना आपकी पर्सनैलिटी में ना एक सैडनेस की फील आ रही है। अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको मुंबई बुलाती हूं, तो मुझे आपका अंदाज पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो जैसा एक संगीतकार एक आवाज सुनना चाहता है और काम करना चाहता है, वो तुम्हारी आवाज है। मुझे ऐसा लगा कि आगे चलकर अगर तुमने अपने आप को संभाला और बहुत मेहनत की, तो ये टोन आगे चलकर बहुत सुनाई देगी लोगों को। तो मेरे लिए 100% विदाउट एनी हेजिटेशन मैं तुम्हें मुंबई बुलाना चाहता हूँ। आपको और एक वोट की जरूरत है। सोनू भी कुछ कहेंगे, फारा जी भी कहेंगे। मेरे हिसाब से आप मुंबई आ रही हैं। ओह गॉड, थैंक यू सो मच सर। मुस्कुराओ, हंसो। निधि, मुझे इंडियन आइडल के मंच पर एक कॉन्फिडेंट लड़की देखना है, एक कॉन्फिडेंट। बुला लो। अच्छा, अगर हम बोलते मुंबई आ रहे हो, तुम्हारा क्या रिएक्शन? आप मुंबई आ रही हैं, अभी क्या होगा रिएक्शन? थैंक यू सर। अरे ये लो ये लो ये लो ये लो। थैंक यू। चिल कैसे करके जाओ, बोलो ओ करके जाओ। ओ थैंक यू, ओ थैंक यू। वाह, ऐसे भागते हुए जाओ। जाओ करण को पप्पी दे दो एक। जाओ। अरे मुझे मिला, तुझे मिला टिकट? मुझे मिला। अच्छा, कभी तो लाइफ में ऐसा हुआ होगा ना जिसमें तुम चिल्लाई होंगी? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। तो आज कोशिश करें, सामने खड़े हो। मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें, खुशियों की मिली है वजह। आजा रे आ जरा, डंग डंग डिंग पोंग पोंग पिंग, लहरा के आ जरा, पोंग पोंग पिंग पोंग पोंग पिंग पोंग पिंग। बुलाओ बुलाओ। क्लासिकल सिंगर्स देख लिए, बॉलीवुड सिंगर्स देख लिए, कमर्शियल सिंगर्स भी देख लिए, यार कोई रॉकस्टार नहीं आ रहा। इसको देख के ना फील है कि नाम लिया और हाजिर, यार कुछ और ही मांग लेता। अब आपका क्या नाम है? दिपज्योति ठाकोली। आपका आइडल कौन है? मेरा बॉब मार्ली, माइकल जैक्सन और बुजली। आप एक रॉकस्टार हैं तो आई एम श्योर आप अंदर जाएंगे और तीनों जजेस को फुल इम्प्रेस करेंगे अपने गाने से, डांस से, मस्ती से। मैं करूंगा 100%। ये ऑल द बेस्ट, गोल्डन टिकट आपकी हो ये मैं प्रे करूंगा। थैंक यू थैंक यू। अरे वाह, अरे आओ, अरे बाप, तेरे बाल तो बड़े अच्छे हैं यार। करते क्या हो आप? गाना लिखता हूँ, कंपोज भी करता हूँ। लिखते हो? कंपोज भी करते हो? हाँ। कितने गाने लिखे हैं अभी तक? मेरा 7,000 गाना हो गया। 7,000 सर, आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया। आइए आ जाइए आ भी जाइए, यूं ना रह कर हमें तड़पाइए। ओ रारा ओ रारा धीरे रारा ओ रारा धीरे रारा ओ रारा धीरे रारा, आजा रे ओ रारा धीरे रारा। मैं गागा क्यों बुला रहा हूँ, आना चाहिए। आ जाओ। उसके अगर इतना सा बन जाऊँ तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अगर भगवान का दिया हुआ मेरे पास कुछ भी टैलेंट है तो मैं लोगों के पास वो पहुंचना चाहता हूं, तो उसके लिए इंडियन आइडल से बड़ा मंच इंडिया में नहीं है। आ जाओ। मुस्कुराते हुआ चेहरा, शान के जैसा लगता है ना ये। हाँ, मुस्कुराता हुआ शान। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल देव। क्या करते हैं? मैं तो अभी प्रोफेशनल सिंगर हूँ। मैं पिछले साल ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, केमिस्ट्री ऑनर्स लेके, यूनिवर्सिटी टॉपर रह चुका हूँ सर। इट्स सो गुड टू सी लोग सिंगर बनते हैं और साथ साथ में पढ़ाई पे भी ध्यान देते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि ये मैं सोचो कि पढ़ाई काम नहीं आती, पढ़ाई काम आती है बाद में। बिल्कुल सर। अभी क्या गाओगे राहुल? मैं पड़ोसन फिल्म का एक चतुर नार। बहुत आड़ा गाना लिया है तुमने, बहुत मुश्किल गाना है। कोशिश करूंगा सर मैं, बिल्कुल। सुनाओ। अरे क्या बात है। यक चतुर नार करके ये श्रृंगार, यक चतुर नार करके ये श्रृंगार, मेरे मन की द्वार यह घुसत जात, अम मरत जात, हरे हे चतुर नार करके ये श्रृंगार। पारे सा गा गे गे रे रे सा दा रे सा दा दा पा पा दा सा रे गा गा रे सा दा पा पा गा रे, चतुर नार करके ये श्रृंगार। ताम आया ताम ता ताम 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 रुक उम नाए ओए ओए अम्मा हम नम 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 ला हम बल 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 रे बल 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 रे बल 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में फंसत जात, हम हंसत जात, अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। तू क्यों सीधे, तू क्यों गौरी, क्या नजर है, कर लाख लाख दुनिया चतुराई, चोटी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाए, चोटी कर दूंगा। jam tata jam taka nang yakadam tak dik tak tak tere tak ta jam tata jam taka nang yakadam tak dik tak tere tak ta janu tadana tajani takit ta janu tadit ta jani takit tanat tanut dinat dinat tere 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 padke butane chidpi chakkad padke butane chidpi chakkad hadbut kudi budi kud gaye हड़बुत कुड़ी बुड़ी खुद गए है चित के सुरार मन मच गए है चित के सुरार मन मच गए सब चले गए चिति बुड़ चितिंग चिति बुड़ चिति बुड़ का हाय हाय हाय। बस राहुल देव मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल गाने रिकॉर्ड हुए, आड़े टेढ़े ऊपर नीचे। मैं चैलेंज करता हूँ एज ए कंपोजर, इस दुनिया में हिंदुस्तान में इंक्लूडिंग मी कोई ऐसा कंपोजर है जो इस गाने को रिकॉर्ड कर पाए? कोई नहीं है। ये किस तरह राहुल देव बर्मन साहब ने गाना रिकॉर्ड किया, मन्ना दे ने किस तरह गाया, किशोर कुमार साहब ने किस तरह गाया, और महमूद भाईजान भी थे उसके अंदर। एंड रिमेंबर वन थिंग, लाइव ऑर्केस्ट्रा, किसी का बाप ये गाना रिकॉर्ड नहीं कर सकता और किसी का बाप नहीं गा सकता। आउटस्टैंडिंग सिंगिंग, सो डिफिकल्ट टू सिंग एक सांस में। यू आर अ टैलेंट, अ पावर हाउस। फॉर मी आई लव्ड इट एंड आई वांट यू टू कम टू मुंबई फ्रॉम माई साइड। फैंटास्टिक, आई एम सो हैप्पी आई हैव मेट यू। थैंक यू सर। मैडम मुझे लगा जो एक पर्सनालिटी होती है एक सिंगर की, कोई गा रहे अच्छा गा रहे, कोई पर्सनालिटी नहीं है उनकी। आई थिंक तुम वैसे सिंगर हो जो हम शायद तुम ना जीतो लेकिन तुम याद तुम्हें लोग रख सकते हैं। यू हैव श्योर। ये गड़बड़ हो गई। देखो मैंने तुम्हें बोला कि बाद में पहले नहीं कर सकते ना हमारा, तो आप बोलो क्या बोल रहे हो आप। आपको गोल्डन टिकट तो नहीं दे रहे हम आपको दे रहे हैं गोल्डन माइक। ये आपकी स्पेशल ट्रॉफी है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? नंदिता भट्टाचार्य। तो नंदिता भट्टाचार्य जी आप क्या गा रही हैं? आज हम लता जी का एक गाना सुनाने वाले हैं। हम मतलब कितने? सॉरी आपको इजी कर रहा हूं ताकि आपको नर्वसनेस अगर थोड़ी सी भी हो तो फिर चली जाए। आपके साथ में कोई आया क्या? मेरा हस्बैंड आया है। वो क्या करते हैं? वो आप जॉब कर रहे हैं लेकिन वो भी बहुत अच्छा गा लेते हैं। अच्छा। हाँ लेकिन वो 2009 में ऑडिशन में आया था लेकिन सिलेक्ट नहीं हुआ यहाँ पर आइडल में। हाँ हाँ आइडल के ऑडिशन में ही आया था। इस बार वो नहीं आना चाहे कि बोला कि हम तुमको कंपटीशन नहीं देंगे, सपोर्ट करेंगे। अरे क्या बात है, दैट्स वेरी नाइस। सारे हस्बैंड्स लड़कियों को सपोर्ट करें, वाइफ को सपोर्ट करें। वेरी गुड एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट साइन फॉर द कंट्री। चलिए गाइए, अच्छा सा सुनाइए ताकि हमको मजा आ जाए। जा रे बदरा बैरी जा 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 रे, जा रे बदरा बैरी जा 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 रे, पिया के संदेशवा लारे लारे लारे, जा रे बदरा बैरी जा 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 रे, पी के दरस को जियारा तरसे, पी के दरस को, पी के दरस को जियारा तरसे, पी की खबरिया लारे 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 लारे, जा रे बदरा बैरी जा 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 रे। नंदिता इतना तो पता चल रहा है कि आप एक सिंसियर सिंगर हैं। थैंक यू। जितना अच्छा आपका पोटेंशियल है गाने का उतना अच्छा आया नहीं है। नर्वसनेस से होगा या फिर थकान से हो सकता है। बस मुझे ज़्यादा डर लग रहा है यार। मुझे भी। तुम अपने पति को बुलाओ। आपको बुला रहे हैं आप जाओ आप जाओ 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 जाओ। नमस्ते। सुनो, इसने क्या बोला आपको भारत में? कुछ नहीं बोला। आपको मैं बताता हूँ, आप एक ड्यूट सुनाइए, दोनों एक गाना सुनाओ। अब इनकी किस्मत अब आपके हाथों में। अगर आपने ठीक से गाया तो फिर देखते हैं। पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे, थारे बिना लागे मोहे मारा जिया रे, ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे, ओ थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। मा पानी दा पानी दा पा मा गा रे गा रे गा रे सा, मा पानी दा पा मा गा रे गा सा रे नि सा। थारे बिन मोहे चैन ना आवे, धक 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 मोरा जी घबराए, बोले बसुरिया। आई थिंक दिस इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ इंडियन आइडल। एक हस्बैंड और एक वाइफ एक दूसरे के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। पिया रे पिया रे पिया रे, थारे बिना लागे नहीं मारा जिया रे। क्या बात है, अच्छा शाबाश। थारे बिना लागे नहीं। थैंक यू। चलो आपका नाम क्या है? शांतम पुत्र। तुमने क्यों नहीं पार्ट लिया है शांतम? कितना अच्छा गाते हो तुम। लेकिन शांतम तुमने एक काम अच्छा किया, इतना अच्छा गाया तुम्हारी बीवी 100 पे मुंबई आएगी। आइए, नमस्ते। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉली सिंह है। क्या करती हो डॉली? आई एम अ टीचर। टीचर हो? क्या सिखाती हो? 1 साल डांस सीखी हूँ तो डांस टीचर हूँ स्कूल में। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ डांस? कंटेम्प्रेरी। ओके, वेरी गुड। एंड इंग्लिश टीचर। तो सिंगिंग का शौक कैसे हुआ? मैं सिंगिंग बचपन से ही करती हूँ। बट सीखा नहीं है? नहीं, सीखा नहीं है मैंने। बट डांस सीखा है आपने? हाँ, डांस सीखा है मैंने। और घर पे कौन कौन है डॉली? आई डोंट हैव एनीबॉडी इन माय लाइफ राइट नाउ। नोबडी? नोबडी। बट आई कैन सी कि आप शादीशुदा हैं। या तो आप सिंदूर लगा के आई हैं, तो आपके हस्बैंड? मैं छोड़ दी उनको। छोड़ दिया जी? क्यों, क्या क्या बात हुई? मेरा फेस आप देख ही रहे हैं, आई गॉट बर्न, मैं जली थी और ये मेरे ने किया है। अरे They burnt you? Yeah, you can just see. इसके पीछे का कारण क्या है? हाँ, एक्चुअली मेरा लव मैरिज था। मैं बचपन से, मेरे मॉम डैड नहीं है। ओह। मैं क्लास 8 में थी तब मेरे मॉम डैड चल बस एक्सीडेंट में। मैंने कोलकाता में अलग अलग फर्म में जॉब किया और उसी दौरान मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई। मैं 3-4 महीना उनके घर में रही, काफ़ी काम वाम भी की, सब कुछ करती थी। लेकिन फिर एक दिन मैं गैस में दूध चढ़ा रही थी, जब दूध बॉईल हो रहा था तो बोली कि दूध बॉईल हो रहा है, उठा लो। तो जैसे ही मैं उसको उठाने के लिए की, उन्होंने हाथ से, मतलब एक साइड से उन्होंने धक्का मारा था। एक साइड जब स्लिप हुआ तो वो दूध पूरा चूल्हे पे गिरा और वो उसका जो स्टीम है वो पूरा मेरे बॉडी में आके लगा। जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई तो घर जाके जब देखी कि वहाँ कोई भी नहीं है, तब मुझे ये चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि उन्हें मेरी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तब मैं डिसाइड की कि जब उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी उनकी ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि मेरा अपीयरेंस ख़राब है तो मुझे हर जगह पे अपने आप को प्रूव करना पड़ा और मैं प्रूव करती गई। और इस लड़ाई को लड़ते हुए मैं आगे बढ़ना भी चाहती हूँ और आगे बढ़ भी रही हूँ। और आज कहीं ना कहीं मैं अकेली हूँ लेकिन बहुत खुश हूँ। डॉली, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टू मी। थैंक यू मैम। इतना कुछ होने के बाद भी तुम अपनी मांग में सिंदूर लगाती हो, बहुत बड़ी बात है। ये क्यों लगाती हो? वो कारण ये है कि अगर अभी किसी को भी पता चल जाए कि आई एम डिवोर्सी और आई एम अलोन, तो लोगों की नज़र जो है वो कभी अच्छी नहीं हो सकती। और आज का समाज अब भी वही है कि अकेली लड़की है तो जरूर कुछ गलत होगा या गलत होगी, ऐसा। इसलिए मैं अपने सेफ साइड के लिए सिंदूर लगाती हूँ। डॉली, आप बहुत ब्रेव हो। थैंक यू मैम। मतलब आपका स्पिरिट और जिस आपका यू नो ऑरा है, सो पॉजिटिवली आप आई हो और हिम्मत की दाद दे दो। यहाँ पे आपसे पहले बहुत सारी लड़कियाँ आई हैं, लड़के आए हैं जिनकी जिंदगी सब ठीक थी और हाँ। वो दुखी लग रहे थे मुझे, सच्ची। क्या जानू सजन होती है क्या गम की शाम जल उठे सौ दिए जब लिया तेरा नाम। क्या जानू सजन कांटों में मैं खड़ी नैनों को हार के निस दिन बाहर के देखूं सपने चेहरे की धूल क्या चंदा की चांदनी उतरी तो रह गई मुख पे अपने। क्या जानू सजन होती है क्या गम की शाम। मैं कुछ कहूँ प्लीज। हम एक्चुअली अभी तक जितने कंटेस्टेंट्स आए हैं शायद उनमें सबसे ज़्यादा कनेक्ट आपसे कर पा रहे हैं हम लोग। अभी गाना सुनाइए। मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क मेरा नाम तेरा नाम मेरा नाम हाय हाय ये लाल। ये वाला वापस गाओ। घबराओ मत, खुल के गाओ। मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क मेरा नाम मेरा। क्या क्या फटा है तुम्हारी आवाज में यार। इसकी ये बला इसकी ये इसकी ये बहरी। नेपाल तुम्हारे पास सुरों का वाकई अकाल है। जो मिल गए हो। एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, आप सिखाते हो तो आपको संगीत से प्यार है और आप सिखाते भी रहोगे, ये भी मुझे पता है। हमारे कहने ना कहने से कुछ नहीं होगा जी, बिल्कुल। लेकिन अगर आप सिखाते हो आपको भी और सीखना चाहिए। आइए सर, नमस्कार सर। नमस्कार, आइए। क्या क्या नाम है आपका जी? सर मेरा नाम विनीत। क्या करते हैं विनीत? अभी सर मैं एक्चुअली सर लास्ट सीजन में मैं आया था इंडियन आइडल 6 में। इसके पहले वाले सीजन में? अच्छा सर, तब मैं आउट हो गया था। क्यों आउट हो गए थे? सर मैंने बहुत गंदा गाया था। बहुत गंदा गाया था आपने सर। मेरे को जो भी कहा उस समय मुझे उसमें बहुत बुरा लगा। मैंने बहुत बुरा भी बोला आपके लिए। मैंने जो बोला वो सही नहीं था। उस समय सर बहुत अभिमान में था। मैं सीखा था, रियाज नहीं करता था। लगता था चलो भाई अब तो मैं अच्छा गाता हूँ। लेकिन सर इस मंच से मुझे बहुत सिंसियरिटी मिली अपने अंदर लाने के लिए। विनीत आई एम सो प्राउड कि आज आप आकर अपनी गलती मान रहे हो और उसके लिए सॉरी बोल रहे हो। डेफिनेटली मैम, क्योंकि बहुत लोग अपने ही दुश्मन होते हैं, उनको लगता है मैं ही सही हूँ। तो आई एम ग्लैड दैट यू कम बैक एंड अनु जी का दिल बहुत बड़ा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, तुमने ये जो बोला ना कि अनु मलिक क्या जानता है संगीत को, तुम गए भाड़ में, तो उस वक्त मुझे लगा कि 40 साल से मैंने अभी तो कुछ काम ही नहीं किया है और मैंने और मेहनत करना शुरू किया और उसके वजह से मैं आज भी इस कुर्सी पर बैठा हूँ। और मेरे एक फिल्म को एक नहीं 2 नहीं 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। पता क्यों? तुम जैसे लोग जब बोलते हैं ना भाड़ में गए, तो उस वक्त मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि जो ये आदमी शख्स कह के गया है इसे क्या आता है ये प्रूव करें। यही है, आप भी सीखते हैं हम भी सीखते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। तुमने अपनी गलती मान ली, मैंने तुमसे कुछ सीखा जी। तो सर अभी आपको जो सुनाना सुनाइए। सर थोड़ा सा पानी दे दीजिए प्लीज। हाँ, पानी दे। ये कप। अरे सर थैंक यू सो मच। वेलकम। मुझे लग रहा है सर गा नहीं पाऊंगा। नहीं आप गाओ और अच्छा गाओगे। अब ये सोचे गाइए कि आपको पहली बार मौका मिल रहा है अच्छा गाना। ठीक है, मेजर या माइनर? क्या क्या कर तुम्हें हम ढूंढते हैं हमें दिल ढूंढता है न अब मंजिल है कोई न कोई रास्ता है अकेले हैं चले आओ जहाँ हो अकेले चले आओ जहाँ हो कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो अकेले हैं चले आओ। विनीत सर अभी मैंने अच्छा नहीं गाया ना, अभी सर मैं घबरा के गाया बिल्कुल। इस समय आप जो हैं वो कंपटीशन से ऊपर जा चुके हैं, आपका परफॉर्मेंस अब मायने नहीं रखता। और ये मैं इंडियन आइडल की पूरी इज्जत रखते हुए कह रहा हूँ, हमने जब ये प्रोग्राम को इस सीज़न में लाने की सोची थी तो हमने इसका मोटो चुना था, मंच नहीं ये रिश्ता है जो दिलों को दिलों से जोड़ता है। हमें नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसे कुछ होने वाला है। तो आपने म्यूज़िक के ऊपर इंडियन आइडल की जो मेन सोच है वो आज आपकी वजह से दर्शक देख पा रहे हैं, दिलों को दिलों से जोड़ता है, ये वो मंच है। तो मुंबई में भले आप इस बार नहीं आएंगे, मेरी तरफ से नहीं आएंगे, लेकिन आप जिंदगी के एक नेक्स्ट पड़ाव में शायद जहाँ पे मैं भी नहीं पहुँचा हूँ आप वहाँ पहुँच गए, सो आपको उसकी शुभकामनाएं। मैं एक चीज़ मानता हूँ विनीत कि दुनिया में दिल अगर जीता जाता है तो लड़ाई से नहीं, दिल अगर जीता जाता है तो लड़ाई से नहीं, मज़ा मिलन में है जुदाई में नहीं। आज हमारा मिलन हुआ है, फिर तुम आए हो, ये मत समझो कि तुम्हें हम इस तरह लेके जा रहे हैं कि यार मैं कुछ भी बोल दूंगा फिर माफ़ी मांग लूंगा तो अन्नू मलिक खुश होगा, नहीं नहीं सर। मैंने आवाज़ भी बहुत बड़ी चीज़ होती है और इंसानियत भी बहुत अच्छी चीज़ होती है तुम्हारे में। और एक बात है नम्रता, ये जो तुम सीख कर आए हो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। तुम्हारा घमंड और अहंकार टूट चुका है, वक्त बड़ो बड़ो सीधा कर देता है, हमको भी सीधा किया है। मैं चाहता हूं कि तुम मुंबई आओ। सर भगवान का बहुत बड़ा गिफ्ट है आज की, मेरी साथ एनिवर्सरी भी है सर, बहुत अच्छी बात है, तोहफा मिल रहा है तुम्हें सर, थैंक यू सर। मेरी तरफ से मुंबई आओगे, अब यहाँ से सुन लो। हेलो इज हिज वाइफ देयर? वाइफ को बुलाइए। आपका नाम क्या है? मैम रिचा। रिचा, आपने विनीत से कहा कि वापस आओ? और नहीं मैम, वो खुद ही आना चाहते थे, मैंने सिर्फ सपोर्ट किया उन्हें। ओके वो खुद से आना चाहते थे, उन्हें खुद से रियलाइज हुआ कि मुझसे गलती हुई। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।